सुनने और बोलने के साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और बच्चों को किस तरह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, इन सभी मामलों को लेकर SPS अपोलो हॉस्पिटल ने करवाया एक सेमिनार। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। नहीं सकता, वो बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसको यही नहीं पता कि आवाज होती क्या चीज है। और जो बच्चे ये सब नहीं कर पाते उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना। और इसके अंदर SPS हॉस्पिटल ने पिछले कुछ सालों के अंदर वो महारत हासिल कर ली है कि हम पंजाब में आउट ऑफ दिल्ली सब लोगों को पंजाब के अंदर ये मुहैया कराया है। मैं बोलूंगा डॉक्टर कपिला से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज इस पे सब लोगों को और उजागर करें और ज्ञान दें कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है, इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। डॉक्टर कपिला प्लीज। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सबको जो आज इस ओकेजन पे आए हैं। सो ये ओकेजन एक बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू से रिलेटेड है विच इज डेफनेस। एंड अमंग डेफनेस ऑल्सो कॉन्जेनाइटल डेफनेस। कॉन्जेनाइटल डेफनेस मीन्स कि पैदा होते ही जो फिर भी मेरी आवाज़ सुनो क्योंकि इनकी साइलेंस बोल रही है हम सबको कि इनको सुनो। और अभी ना तो ये सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं लेकिन इनमें ये कैपेबिलिटी है जो सुनने लगते हैं तो यस ये किसी भी इशू को रेज कर सकते हैं और कह सकते हैं स्टैंड ले सकते हैं कि मेरी आवाज सुनो। राइट सो अभी इनकी साइलेंस इज स्क्रीमिंग। इनकी जो खामोशी है वो चिल्ला चिल्ला के हमें कह रही है कि इनकी आवाज को सुनो। बहुत सारे मिले हैं इसको नहीं मिलेंगे अगर अब ये सारी दुनिया की दौलत लगा दे इसको वो रिजल्ट्स जो 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 कॉन्जेनिटली प्रोफाउंडली डेफ पैदा होता है। अदर डेफनेस छोड़ दो के थोड़ी डेफनेस है थोड़ी ज्यादा डेफ मैं एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन SPS अपोलो हॉस्पिटल। सो आज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव इशू नू लैके इत्थे आए हैं जिहड़ा कि डेफनेस है एंड कॉन्जेनाइटल डेफनेस है उन्हां बच्चों लई जिहड़े पैदा होंदे ही सुन नहीं सी सकदे सी एंड क्योंकि उस पैदा होंदे सुन नहीं सकदे इसलिए वो बोल नहीं सकदे और वो सोसाइटी दे विच डेफ एंड डंब कहलांदे हैं जबकि वो डंब नहीं होंदे वो नॉर्मल IQ दे बच्चे होंदे हैं या ईवन हायर IQ दे बच्चे होंदे हैं। सो ये अज का दिन उन्ना बच्चों के लिए है कि वह बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं जे आप एज ए सोसाइटी सजग हैं जे इस चीज़ की अवेयरनैस है जे असी उसनू डेफनेस नू अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं एंड असी उन्ना बच्चों नू हेयरिंग दे सकते हैं जिहड़ी कि पॉसीबल है वो हेयरिंग कॉकलर इम्पलांट सर्जरी के थ्रू। सो ये बच्चे हैं जिन्हों इम्पलांट ऑलरेडी किया गया है ये अनमोल है जिसका इम्पलांट होया है एंड ही वॉज पहला उससे बच्चों का सी बट हूँ गलबात कर सकता है हूँ समझ सकता हूँ सवाल के जवाब भी दे सकता है। ये अभिजीत है जिसका ऑपरेशन हले महीना पहला ही होया ये हूँ इसका लैवल है सुन तो सकता बट हले बोल नहीं सकता। सिमिलरली अक्ष है अक्ष का ऑपरेशन दोनों कन्ना का ऑपरेशन होया बायलेटरल कॉकलियर इम्पलांट होया विच इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दिस पार्ट ऑफ द रीजन ये हूँ दोनों कन्ना तो सुन सकता। सो गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट क्योंकि ये बहुत ही सोशल और सेंसिटिव इशू है तो सरकार ने एडिप स्कीम इन बच्चों के लिए खोली है जिसके अंदर जो पुअर फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली की मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है उसके लिए ये सर्जरी बिल्कुल फ्री होती है उनको इम्प्लांट फ्री मिलता है। सर कितनी रेयर है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम रेयर नहीं है जी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। एवरी 1,000 बर्थ्स में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको बहुत
सिवियर डेफ है, प्रोफाउंड डेफ है, जिसको इम्प्लांट की ज़रूरत है, एंड डेफनेस तो बहुत ज़्यादा है, उसके इंसिडेंस तो जनरल पॉपुलेशन में अराउंड 5% है, बट इन बच्चों का जिनको इम्प्लांट की ज़रूरत है वो 1%। सहूलत कैसे लगे जो पेशेंट हो तो सहूलत कैसे मिलेगी आपको कैसे? हाँ, उनके लिए सबसे पहले तो हम जब बच्चे हमारे पास आते हैं हम असेस करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं कि ये बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। जब हमारा कंफर्म हो जाता है कि दिस चाइल्ड कैन नॉट हियर, फिर हम उसके कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिससे ये कंफर्म करते हैं कि बच्चे को हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं, इसके कान में कॉकलिया है। फिर उसके बाद हम फाइल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि ये बच्चे की, उसमें हमें उसका एक इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि तहसीलदार या उससे मिलता है। सो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं, फिर उनकी तरफ से अप्रूवल आ जाता है। बाई बर्थ ही होता है? कुछ बहुत रेयर कंडीशंस हैं जिसमें बाद में होता है, बट मोस्टली बाय बर्थ हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में देखो, ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है, 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, 2 दिन में पेशेंट को घर चला जाता है। नहीं, उसको आवाज़ सुनेगी, इट इज़ जस्ट लाइक, जो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कान के अंदर हम ऑपरेशन करके फिक्स कर देते हैं, एक कान के बाहर लगता है जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। वो प्रोसेसर का काम है साउंड को रिसीव करना और अंदर वाले पार्ट को दे देना, वो अंदर वाला पार्ट फिर कॉकलिया को साउंड देता है एंड बच्चा बोलता है, बट ये प्रोसेसर लगा रहता है जैसे जस्ट लाइक ए हेयरिंग एड। सो क्योंकि इसने साउंड अंदर वाले पार्ट को देनी है, तो इट इज़ नॉट कि बाहर से नहीं लगा रहता है। बट नाउ डेज बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स आ गए हैं जो बहुत पतले हैं, जो दिखते नहीं है, जो बालों में ही छुप जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए प्रोसेसर चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहते हो? सो मैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज यही है कि मेरी आवाज़ सुनो। इसमें मेरी जो ये कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं जिनको सुनता नहीं है और जो बोलता नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं, उनकी साइलेंस कह रही है एज ए सोसाइटी, सारी सोसाइटी को, कि आप उनको सुनो, वो बोल सकते हैं एंड कल को सोसाइटी में खड़े होके अपनी आवाज़ पुट कर सकते हैं और एक्चुअली में कह सकते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो। सो दे कैन ब्रिंग फोर्थ ए चेंज इन द सोसाइटी। मैसेज में आप लोगों की हेल्प ये चाहिए कि ये अवेयरनेस जो है ना, ये एक बड़ा स्ट्रांग मीडिया है जो कि ये कन्वे कर सकता है कि अगर बच्चा डेफ है कंजेनिटली तो डोंट डिसहार्टन, उसको दिखाओ और उसका टाइमली जो है इलाज कराओ। दैट इज एक्चुअली द मैसेज। एक साल जिवें अपने समाज के ढोंग ढोंगियों के मगर लगे रहे, कहते फिजियोथेरेपी कराइए जी, कहते सस बजाए कोई कुछ कहना, तो जो कुछ भी कहा दुनिया ने, हर जो बंदे को गए उन्होंने सानू गाइड नहीं किया। अखीर साढ़े कर्म चंगे सी, असी सिमरन जी को सिमरन फ्री सेंटर को आए, इन्होंने डॉक्टर कपड़ा जी ने मिलाया और मैं तो दिल्ली कराई अगर कहनी चाहना कि डॉक्टर कपड़ा जी ने सानू मैसेंजर ऑफ गॉड परमात्मा ने एक दूत बन के साथ मदद की, जिन्होंने अभी दिल्ली गहराइए चो थैंक यू कहना चाहते हैं। और नवदीप जी मैडम सिमरन जी ने अपनी मतलब पहुंच तो बाहर जाके साढ़े बच्चे की हेल्प की, अज साढ़े बच्चे ऑपरेशन कराने 6 महीने हो गए और पापा दादा मम्मा पापा बोल रहे हैं, मैं बहुत खुशी है। मैं अंत में मेरे भरावान पत्रकार भी प्रेस सारे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खड़ा है, बहुत बड़ी जान है हिंदुस्तान की, इन्हों को अपील करनी चाहना कि वो तो वो मैसेज लाओ दुनिया को, जो डीप एंड डंप बच्चे ने वो साढ़े समाज के अंग ने, उन्होंने हेट ना देखा जाए, उन्होंने लाइक कराया जाए। उम्मीद है कि इस टॉक के बाद बच्चों की बोलने और सुनने की परेशानियों से जूझने वाले पेरेंट्स को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।